सोलन युवा अग्रवाल सभा के युवाओं ने कोरोना के संकट काल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास किया। इसमें युवाओं ने करीब 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया। लॉकडाउन के चलते सोलन के अस्पताल में रक्त की भारी कमी चल रही थी, क्योंकि सोलन में रक्तदान शिविर नहीं लग पा रहे थे, जिसकी वजह से रक्तदाता अपना रक्तदान नहीं कर पा रहे थे। जरूरत के समय में ही रक्तदाताओं को बुलाया जा रहा था और वह अमूल्य जीवन बचाने में अपना योगदान दे रहे थे। सोलन युवा अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि सोलन अस्पताल में रक्त की कमी है, जिसके चलते उनकी सभा ने रक्तदान की योजना बनाई और सभी युवा अग्रवाल सभा के सदस्यों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते सभी सदस्य नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जितने भी पहुंचे हैं उन्होंने रक्तदान किया है और आज केवल 20 यूनिट रक्त ही दान किया गया। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, ये बड़ा ही क्रूशल टाइम है हम सबके लिए, सारे सोलन के लिए, सारे हिमाचल के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और इसमें आज सुबह हमारे संस्था, हम हैं युवा अग्रवाल संगठन सोलन की तरफ से, और हमारे संस्था में एक डॉक्टर क्षितिज हैं, डेंटिस्ट हैं। उनको हॉस्पिटल से या किसी और नोन से पता चला कि हॉस्पिटल में आज की डेट में खून की बहुत कमी है। तो हमें पता, जैसे पता चला कि खून की बहुत कमी है, तो हमने संडे के लिए प्रपोजल दी हॉस्पिटल वालों के कि हम संडे को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा प्रोपोगेट करके और लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि ब्लड की ज़रूरत थोड़ी क्रूशियल थी, तो इसीलिए हमारे को रिक्वेस्ट की गई कि आज ही 3 बजे ये कम कर लिया जाए। तो हमने जितने लोगों तक हमारी बात पहुँच पाई, हमने वो बात पहुँचाई। और हमारी कोशिश यही है कि अपने युवा अग्रवाल संगठन से तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें वो लोग आएँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि मिनिमम हम लोग 20 यूनिट्स ब्लड तो आज डोनेट करें, और अगर जो पॉसिबल रहा तो नेक्स्ट वीक या विद इन 15 डेज हम लोग दोबारा से इस बारे में प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो ज़रूरत इस ब्लड बैंक को, हमारे शहर को ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा, चाहे हमारे नाम से नहीं है, किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, बट हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सब, स्पेशली टू द यूथ, कि वो ज़रूर अपने हॉस्पिटल में आए। रीजनल हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर सैनिटाइज है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, हर चीज़ सैनिटाइज्ड है। लेकिन हमारे को यूथ को अब ये चाहिए कि यहाँ पर आएँ और अपना सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करें। युवा अग्रवाल संगठन की तरफ से जिला अस्पताल सोलन में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। आज हमें जिला अस्पताल से डिमांड आई थी ब्लड के लिए, आज हमने अपने सभी युवाओं को इकट्ठा किया और आज 15 से 20 यूनिट ब्लड डोनेशन कर डोनेट करने का लक्ष्य रखा है। और हम पहले भी ये करते रहे हैं और आगे भी हम ये प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जिला अस्पताल सोलन में डोनेट कर सकते हैं। अभी हमारा आज मेरे ख्याल हमने अभी तक 10 यूनिट कर दिया और हम 20 यूनिट आज दे देंगे, और यहाँ तो काफ़ी डिमांड है, हो सकता है हम अगले हफ्ते भी कुछ ब्लड डोनेट कर पाएँ और भी।